जो लास्ट क्लास की सीट थी अपन उसको ओपन करते हैं। मार्कशीट आ गई थी क्या आप सभी स्टूडेंट को? ठीक है, पर अपन नेक्स्ट प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, और यहाँ से अपन जो भी सीट बना रहे हैं उसको रीनेम कर देंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट रो को मर्ज करेंगे और फिर सेकंड रो को भी मर्ज करेंगे। और यहाँ पे आप जो आपको गवर्नमेंट साइड से नंबर मिलता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आप जिस भी सेंटर की या जिस भी स्कूल की फीस स्लिप बना रहा है उसका डालना है यहाँ पे नाम। आप इसको क्या करेंगे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। आपको अगर साइज करना है, बड़ा साइज करना है, वो आप कर रहे हैं, अपन इसका कर देते हैं सेंटर। इतना बड़ा करना आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से एक और रो को आप मर्ज करेंगे। यहाँ पे आप कर लिख देंगे कोर्स नेम। आपका डीसीए है तो आप यहाँ पे डीसीए लिख देंगे, पीजी डीसीए है तो पीजी डीसीए लिख देंगे। एमसीयू मतलब किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप, ब्रेकेट में आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है वो डाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े से एरिया को मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे फिर इसको मार्क करेंगे। हम इसे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, फ्रंट से आप इसे ऑल बॉर्डर कर देंगे। यहाँ पे अपन बैंक अकाउंट डाल देते हैं। ज्यादा हो गए शायद 11 हो गए फिर। अब आपका एक ही लाइन में आ रहा है, आप इसको बाहर कहीं क्लिक करेंगे फिर इस पे क्लिक करेंगे, मतलब इसको सेलेक्ट करेंगे टैग को, फिर यहाँ से ये रैप टैग से आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका नीचे ले लेंगे। और भी कुछ डालना है आपको यहाँ पे, जिसको आप सेलेक्ट मर्ज करेंगे, और भी कोई सी बैंक है तो आप यहाँ पे उसका भी डाल देंगे। फिर आप यहाँ पे नीचे मर्ज करेंगे और यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस आपको हिंदी में डालना है या इंग्लिश में डालना है, जैसे भी डालना हो आप यहाँ पे डाल लेंगे। अगर हिंदी में डालना है तो आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मली डाल देते हैं। हमने ये डाल दिया, अपने सेंटर का एड्रेस ये नहीं है, अपने सेंटर का एड्रेस हुआ होम गार्ड ऑफिस के पास। ठीक है, इसे अपन रैप टैक्स कर देंगे तो नीचे मिलेगी। अब यहाँ पे अपना थोड़ा सा ना एरिया कम रहेगा, अपने और एरिया में यहाँ पे मर्ज करना रहेगा, तो आप बाद में भी मर्ज कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। कैसे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो इस टाइप से कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे तो वो ऑलरेडी मर्ज होकर आ जाएगा। आपको अपन थोड़े से इस टाइप से इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इस एरिया को मर्ज करेंगे, जितने एरिया को इधर पे किया था उतने एरिया को आप यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अपन फोटो।
अब ये नीचे की साइड आ रहा है आपको लिखा हुआ, आपको बीच में लिखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेंटर में कर लेंगे। यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, लेट फीस लिखना है तो आप लिख देंगे, तो लेट फीस है आपकी नहीं है तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे फीस लिख देंगे और यहाँ पे अपन डेट लिख देंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे क्लास। इसके बाद यहाँ पे आप इस एरिया को मर्ज करेंगे, इसको भी मर्ज करेंगे एंड इसको भी मर्ज कर देंगे अपन। यहाँ पे आप थोड़े थोड़े एरिया को यहाँ पे मर्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप नेम, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेम क्या होगा आपको यहाँ पे बन नहीं पाएगा तो अपन नीचे वाले में लिख देंगे। आप जिस भी स्टूडेंट की फीस स्लिप बना रहे हैं उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम टाइप करना है। अपन नाम कुछ भी ले लेते हैं, क्या नहीं ठीक है। फिर यहाँ पे आप फादर नेम ले लेंगे, अगर फादर नेम आपको इसी के आगे लिखना है तो आगे लिख देंगे, नहीं तो आप नीचे भी लिख देंगे, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप यहाँ पे लिख देंगे। अपन नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको और भी कुछ लिखना है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह लिखना है तो वो लिख देंगे आप। इनका साइज अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप वो आप यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे अपन ने क्लास भी कुछ नहीं लिखा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे डीसीए सब्जेक्ट लिया तो 12th लिखाएगा आपका, 12th आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया हो। और अगर आपने यहाँ पे फाइनल ईयर लिखा है, मतलब आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, तो आपने फाइनल ईयर में जो भी किया है वो लिखा जाएगा। अपन ने यहाँ पे डीसीए लिया है तो अपन यहाँ पे 12th ले लेते हैं। अब 12th आपका किस सब्जेक्ट से है, मैथ बायो या जिससे भी हो आपका, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, हम भी कॉमर्स से ही हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एरिया को आप इस टाइप से मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे आपका नोट लिखा जाएगा, जो भी आपका नोट रहता है ना, तो आपको पर मंथ कितनी फीस पे करनी है कितनी नहीं करनी, उसको बीच में करने के लिए यहाँ से आपको ये ऑप्शन था आपने पढ़े हुए थे, सेंटर में करना है, लेफ्ट राइट जहाँ कहीं भी करना है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अब इनकी फीस लिखेंगे, पर फीस लिखने से पहले अपन यहाँ पे थोड़ा और कर लेते हैं। इस एरिया को मर्ज करेंगे, तीन लाइन को तो फिर आप यहाँ पे तीन रो को फिर मर्ज करेंगे। तीन को क्यों कर रहे हैं आप, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल फीस लिख देंगे, कितनी है टोटल फीस वो आपके यहाँ पे फीस वाले कॉलम में आ जाएगा, कितनी है 12,000, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे डिपॉजिट फीस या डिपॉजिट अमाउंट, जैसा भी आपको लिखना है, और यहाँ पे लिख देंगे आप रिमेम्बरिंग अमाउंट। इतना आ जाएगा, ये पूरा वही फॉर्मेट है जो आपकी फीस स्लिप पे रहता है, आप फॉर्मेट देख कर भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपका कुछ एरिया मर्ज रहता है जिसमें आपका स्टार्ट डेट लिखी रहती है, कब से आपने स्टार्ट किया है और आपका सिस्टम नंबर कौन सा है, यहाँ पे वो सब लिखा रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे एक तो आपका नोट रहता है कौन सा कि आपको पर डे आपके सिस्टम पर ही बैठना है, सिस्टम नंबर कौन कौन से है, तो यहाँ पे अपन सी एन करके, मतलब कंप्यूटर नंबर सी एन,
कौन सा है? 1.5 घंटे के लिए मिलता है आपको। जैसे आपका फर्स्ट टाइम पे है 6 नंबर, तो 6 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर सेकंड आपका कब है, कौन सा दूसरा नंबर, 12 नंबर, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर आपका कौन सा नंबर होगा, वो आप इस टाइप से टाइप कर देंगे। और यहाँ पे आप डेट लिख देंगे कि कब से आपने स्टार्ट किया था। स्टार्ट, हम यहाँ पर डायरेक्ट डेट ही लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर आप स्टार्ट डेट करके लिख देना। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको फीस पे करनी है पर मंथ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे की है 12 तारीख को की है, 9th मंथ में की है, अपन 11 ही ले लेते हैं। कितनी की है आपने इस डेट को फीस पे, 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट में आ जाने चाहिए आपके अमाउंट। तो इसमें आपको क्या लगेगा, सम का फॉर्मूला लगेगा। तो आप यहाँ से इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक करेंगे डिपॉजिट अमाउंट, और यहाँ से आप ऑटो सम कर देंगे, तो आ गया आपका यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, इक्वल एस यू एम सम। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रेकेट ओपन करेंगे, और जितने एरिया की आपको वैल्यू सेलेक्ट, यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है, वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ आप ब्रेकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, आ गया डिपॉजिट अमाउंट। अब रिमेंबरिंग अमाउंट निकालना है, तो आप यहाँ से इक्वल करेंगे, टोटल फीस का सेल एड्रेस लेंगे और माइनस कर देंगे आप डिपॉजिट अमाउंट। अगर आपकी टोटल फीस 12,000 है, जिसमें से आपने 1,000 फीस पे कर दी है, तो कितनी देनी है अब आपको, 11। अब नेक्स्ट मंथ फिर आप यहाँ पे फीस पे करते, कितनी डेट को करते, वो डेट डाल देंगे। कितनी कर रहे हैं आप, 2,000 कर रहे हैं जैसे कि। अब आप देखना, जैसे ही आप बाहर कहीं क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट एंड रिमेंबरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा। हो गया, डिपॉजिट उसने आपको कितना बता दिया, 3 बता दिया, और रिमेंबरिंग आप उसने 9 बता दिया। अब इसमें आपको कुछ कलर वगैरह फिल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जब आपको ऑनलाइन स्लिप मिलती है, तो यहाँ पे रो मर्ज रहती हैं कुछ, और उनमें आपके सारे रूल्स लिखे रहते हैं, तो वो आपको सब कुछ टाइप करना रहेगा। यहाँ से हिंदी टाइपिंग करने के लिए यहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, फिर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इंग्लिश में टाइप करना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं थोड़ा। इसके कलर कहाँ गए, आप यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो वो कलर फिल हो जाएगा। हमने इन तीनों में किया है ओनली, आपको आपके अकॉर्डिंग जैसा भी करना हो आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इतनी आ जाएगी आप सभी को। अब यहाँ पे आपको इमेज देनी है, लोगो लगाना है आपके साइट पर, तो यहाँ पे आप इमेज दे देंगे, यहाँ पे आप आपका फोटो दे देंगे। बोल्ड कर दिया हमने, टेक्स्ट थोड़ा डार्क दिखने लगेगा। इमेज देने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे आप। आपने यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन इमेज वाले ऑप्शन पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से करेंगे पिक्चर ले लेंगे, और जहाँ कहीं भी आपकी पिक्चर होगी वहां से आप इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आ गया यहाँ पे लोगो आपका। अब आपका यहाँ पे बहुत बड़ा साइज आ रहा है, आप इसे क्या करेंगे, छोटा साइज कर लेंगे। अब कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, आप यहाँ पे इसको इस टाइप से रख लेंगे। अरे कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी इमेज देनी है, तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं आपकी।
फिर से आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज ले लेंगे। आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले लेना, ऑफलाइन लेना तो ऑफलाइन ले लेना। इसका साइज बहुत बड़ा है तो आप इसका साइज भी छोटा कर लेंगे। ठीक है, और बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इस टाइप से आपके यहाँ पे फीस स्लिप बन जाएगी। बाकी फॉन्ट साइज चेंज करना हो या जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो वो आप सब कर ही लेंगे होम टैब। इसमें ओनली दो ही फॉर्मूले रहेंगे, वो यहाँ पे हैं, एक डिपॉजिट अमाउंट में और एक रिमेंबरिंग अमाउंट। आ जाएगा। बाकी आप यहाँ से फॉन्ट कलर वगैरह करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसका भी आपको फॉन्ट कलर वगैरह करना हो। आपकी फीस स्लिप आपको रेड टैक्स में मिलती है क्या? फॉर्मूला समका तो है इस पे है, पर इस पे हम इस पे कर देते हैं ये। ठीक है, अब इसे आप नेक्स्ट मंथ में फिर फीस पे करेंगे तो यहाँ पे आप लिखा जाएगा सब कुछ। अब जैसे कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे शायद से, उनके में MKT करके कुछ लिखा रहेगा, और यहाँ पर वो है सपोनली कपिल भैया, जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं MKT, या फिर आपका लिखा रहता है PJKS, इस टाइप से लिखा रहेगा। और यहाँ पे अमाउंट रहेगी मंथली 6,000 रहती है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो वो आपका डिपॉजिट अमाउंट प्लस कर लेता है। ये पहले होता था, अब आपकी स्लिप में नहीं मिलेगा ये, परिजन कल्याण समिति ये रहता था, जो समिति के प्रमोशन के लिए करते थे ना, तो उनकी 6,000 रुपये फीस पे समिति साइड से होती थी, तो उनकी 6,000 रुपये फीस पे कम हो जाती थी। उनकी फीस रहती थी टोटल 15,000 रुपये, और जैसे वो नहीं करते थे तो फिर उन्हें बाद में पे करनी पड़ती थी। आज आए नहीं है कुछ स्टूडेंट सेकेंड वाले, उनको पता होगी, तो अपन इसको हटा देते हैं क्योंकि अब आपके कोर्स में ये नहीं है। अब अपन नेक्स्ट मंथ में और करते हैं। आपने कर दी 5 तारीख को, फर्स्ट मंथ में 2024 में 2024 आ जाएगा। अब आप 2024 में कितनी कर रहा है फर्स्ट मंथ में वो लिख देंगे यहाँ पे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस कर देते हैं हम तो उसी में सेव हो जाएगी। कुछ और पूछना है? रोज़ टाइम है?